श्री मेघराज जैन, आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, यह बजट सुनहरे भविष्य का बजट है। इसमें गांव, गरीब, दलित, शोषित महिलाओं, किसानों के विकास और सुविधा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बजट देश के विकास को गति प्रदान करेगा, कृषक की आय बढ़े, इसका विशेष इसमें ध्यान रखा गया है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के इस निर्देश को खूब सार्थक किया है। 5 राज्यों के चुनाव सर पर थे, सबको विश्वास था कि लोक लुभावन बजट पेश होगा। कुछ समाचार पत्रों ने तो इसके विरोध में एक दिन पहले ही अपने पेज रंग दिए थे कि ये घोषणा करेंगे, जनता को ऐसे लुभाएंगे। परंतु मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि हिम्मत के साथ उस लालच से बचे और देश की चिंता करके उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया, जिसमें किसी प्रकार के कोई लोक लुभावन जो है नहीं दिए। महोदय, इस बजट में देश के विकास को मजबूत कदम उठाए गए हैं। पहली बार रेल बजट को इस बजट में शामिल किया गया है। पहली बार बजट को समय से पहले पेश किया गया है, जिससे इस बजट के फायदों का लाभ देश की जनता को आगामी वित्तीय वर्ष के शुरुआत में से मिलने लगे तथा वित्त वर्ष में काम ठीक से चल सके। बजट में योजना और गैर योजना व्यय का अंतर खत्म किया गया है, इससे विकास के कार्यों को गति मिलेगी। सरकार ने अपने आर्थिक सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। किसान कल्याण के लिए बागवानी और डेयरी उद्योग के लिए बड़ी राशि की व्यवस्था की है। कृषकों को ऋण की राशि 10 लाख करोड़ रखी है, वही किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ किया गया है। सिंचाई के लिए आवंटित राशि 30,000 करोड़ से बढ़ा करके 40,000 करोड़ किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान एक सराहनीय कदम है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े, इसके लिए मनरेगा का बजट भी बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का विस्तार, गरीबों को आवास, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य पर ध्यान देकर 5 बड़ी बीमारियों को खत्म करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का भी घोषणा की गई है। रोजगार हेतु मुद्रा योजना का आवंटन बढ़ाया गया है तथा रोजगार उन्नयन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग के आवंटन को बढ़ाया गया है। महोदय, इस बजट में पिछली योजना के लिए 1491 करोड़ की रेल परियोजना के लिए 444 करोड़ का प्रावधान विकास के द्वार खोलेगा। आवासीय कारोबारी में भी तेजी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महोदय, इस बजट में रेल, सड़क, पोत परिवहन, हवाई अड्डों का विकास भी तेजी से होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हेतु 27,000 करोड़ का प्रावधान के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 64,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट में अमीरों से लेकर गरीबों को दिया गया है आयकर में छूट। वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक की आय पर लाभ। आयकर के नए नियमों से ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को विश्वास को बल मिला है। कौशल विकास पर जोर देकर युवा रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र पर जोर दिया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस बजट में लेन देन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कालेधन अवैध व्यवसाय पर रोक लगेगी। महोदय, मैं उन अर्थशास्त्रियों को उदाहरण देना चाहूँगा जैसे बेटिन बैनर्जी, आर के अरोरा, एस रवि, आलोक पुराणिक, चंदा कोचर, चेतन भगत, अजीत राठौर, जे एन वाजपेयी, कैलाश सत्यार्थी, अभिनव प्रकाश, शेखर गुप्ता, नंदन नीलमणि, जिन्होंने बजट को देश के विकास के लिए उत्तम माना है। आदरणीय महोदय, देश के विद्वान अर्थशास्त्रियों ने जो कहा, उससे अपने आप में इस बजट से देश के विकास की गति तेज हो सकेगी, ऐसा संदेश सारे देश में गया है। महोदय, इसमें स्वच्छता के लिए बात कही गई है। स्वच्छता एक ऐसा विषय है कि मनुष्य जब गंदगी में रहता है तो उसका धीरे धीरे मन और मस्तिष्क गंदगी जैसा में रहने के लिए तैयार हो जाता है। स्वच्छता में जब जोर दिया गया ताकि उसका मन और मस्तिष्क स्वच्छता की ओर बढ़े, एक बार आदमी जब स्वच्छ स्थान पर रहने लगता है तो फिर उसका मानसिक विकास होता है, उसके आगे बढ़ने की उसकी भावना बढ़ती है और धीरे धीरे उसको एक नई रोशनी मिलती है। इसलिए आवास की व्यवस्था की गई, जो लोग झुग्गी में रहते हैं, गरीब हैं, उनके लिए आवास की योजना की गई है ताकि वो अच्छे उसमें रह सके और उनकी शिक्षा दीक्षा के ऊपर भी सरकार ने काफ़ी
इसमें व्यवस्था की गई है। नए उद्यमी युवाओं को ऋण देने के लिए इस प्रकार का 2,44,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस योजना में जनजातियों, दलितों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसान के लिए सिंचाई के लिए इसमें इस बजट में व्यवस्था की गई है। शुद्ध पानी, लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, इसकी भी व्यवस्था इस बजट में की गई है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के सभी गाँव बिजली पहुँचाने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं बहुत आंकड़े में नहीं जा रहा हूँ। स्वास्थ्य के लिए झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स की स्थापना और 3 इस प्रकार बीमारियां जो है उनको समाप्त करने का लक्ष्य, एक समयबद्ध लक्ष्य तय किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी इस बजट में है और रक्षा बजट भी बढ़ाया गया है, आयकर में छूट भी दी गई है। महोदय, यह बजट देश को समर्पित बजट है, एक सपनों का बजट है जो दीनदयाल जी ने और पार्टी के नेताओं ने देखा, उस बजट को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस सपनों को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने किया है और इसलिए इस बजट के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया। देश के सब प्रमुख लोगों ने इस बजट की बड़ी सराहना की गई है, लेकिन देश के एक बड़े अर्थशास्त्री, नए अर्थशास्त्री, युवा अर्थशास्त्री ने इस बजट को खुश कहा, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय, बड़ी चर्चा की गई कि साहब काले धन की चर्चा हर एक ने की और नोटबंदी की चर्चा की। मुझे लगता है नोटबंदी के जिन्ने से अभी तक निकल नहीं पाए बाहर, बाकी जनता पूरी देश की निकल गई, उनने अपना रिजल्ट दे दिया, परंतु हमारे कुछ लोग जो है अभी भी इसकी जिन्ने से बाहर नहीं निकल पाए हैं। काले धन की बात की गई, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 25 या 26, पूरा मुझे ध्यान नहीं है, 25 या 26 11 1965 में लोकसभा में उस समय के वित्त राज्य मंत्री बी.आर. भगत जी ने एक आश्वासन दिया कि हमारी सरकार काले धन को खोजने की पूरी कोशिश करेगी और उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 65 से लेकर अभी तक खोजते खोजते वो काला धन पता नहीं कितना अंदर चला गया, खोज नहीं पाए, परंतु हमने उसमें खोज करके उसमें से निकालने का प्रयास किया है और उसमें हमको सफलता मिली है। माननीय, हमारा ये बजट देश के स्वाभिमान को जगाने का बजट है। इस बजट अंत में अपनी बात कहते हुए मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है, पंडित दीनदयाल जी ने जो हमको एकात्म मानववाद और अंत्योदय की योजना जो दी है उसके आधार पर यह बजट बनाया गया है। गांव गरीब को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि स्वाभिमान के संग खड़ा हो, निष्का ज्ञान और विज्ञान, अपना ही उद्योग उद्यमी, अपना ही मजदूर किसान, अपनी सीमा रहे सुरक्षित, भारत की हो जय जयकार, ये भावना के साथ ये बजट बनाया गया है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद श्री।